परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीती 11 फरवरी से टुंडला तहसील में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते सोमवार को नाराज किसानों ने तहसील के सभी कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। दरअसल किसानों का कहना है कि साल 2014 से किसानों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों के लिए आयोग का गठन किया जाए, लेकिन लगातार सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही किसानों की मांग है कि किसानों का विद्युत बिल और ऋण माफ किया जाए। सन 14 से लेकर आज तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने समर्थन दिया। पूरा सरकारें बनी, योगी जी ने और प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि सभी किसानों का कर्ज मुक्त कर देंगे, बिजली बिल फ्री कर देंगे। ऊपर से उन्होंने बिजली ट्यूबवेलों पे मीटर लगा दिए। किसान आयोग का अभी तक गठन नहीं किया है। किसान गौ वंशों से इतना परेशान है, फसलें बर्बाद हुई पड़ी है। बिजली मीटर लगा के डबल उनपे वसूली की जा रही है। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी, तब तक इसी तरीके से हमारा निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और हम यही बैठे रहेंगे। और हमारे प्रदेश कार्यालय पे भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है किसी भी सूरत में। ऐसा है, तहसील में पूरी रूप से कार्य बिल्कुल बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि तहसील हमारी है, हमारे ही काम है। जब हमारी सरकारें नहीं सुन रही, तो फिर तहसील खुलने से फायदा क्या है? ये वे फालतू की तनख्वाह ले रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, फिर उनका मतलब ही नहीं है। हमारे साथ हम बैठे हैं यहाँ पे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल किसानों का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकारें उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक यूं ही किसान धरने पर बैठे रहेंगे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।